बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। खुर्जा रोड पर अवैध निर्माण तोड़ा गया, अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया है। 12 बीघा अवैध कॉलोनी ध्वस्त किए गए हैं। तो देखिए तस्वीर आपको हम बुलंदशहर की दिखा रहे हैं, जहां पर खुर्जा रोड पर कार्रवाई की गई है और 12 बीघे में जो अवैध कब्जा था उसे प्रशासन ने खाली करवाया है, अवैध कॉलोनी का ध्वस्तीकरण किया गया है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर बुलंदशहर की है, जहाँ पर खुर्जा रोड पर अवैध कॉलोनी पर कानून का प्रशासन का बुलडोजर चला है और 12 बीघा जमीन खाली करवाई गई। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये कॉलोनी यहाँ बना दी गई थी अवैध रूप से और बुलंदशहर में खुर्जा रोड पर ये पूरा अवैध निर्माण था जिसे प्रशासन ने आज तोड़ा है और इस निर्माण को तोड़ने के बाद 12 बीघे जमीन खाली करवाई गई। बुलंदशहर में प्रशासन का बुलडोजर चला है और प्रदेश भर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। और बड़ी खबर अमरोहा से भी, अवैध प्लॉटिंग पर अमरोहा प्रशासन का बुलडोजर चला है। जेसीबी की मदद से अवैध प्लॉटिंग को अमरोहा सदर एसडीएम ने ध्वस्त कराया। बिना लेआउट पास कराए भूमाफिया ने अवैध प्लॉटिंग सजा रखी थी। सदर एसडीएम की कार्रवाई से भूमाफिया में हड़कंप मचा हुआ है। अमरोहा के थाना देहात इलाके के मीरा सराय रोड का ये बुरा मामला है। तो अमरोहा में भी कार्रवाई हुई है, बिना लेआउट पास कराए अवैध निर्माण कराया गया था और इस पर एसडीएम ने इस प्लॉटिंग का ध्वस्तीकरण किया। प्रशासन का बुलडोजर चला, जेसीबी की मदद से इसे ध्वस्त किया गया। माफिया ने अवैध प्लॉटिंग शुरू कर दी थी और सदर एसडीएम ने कार्रवाई ये की।